अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में हमने डिस्कस करना है हाउ टू चेक लोकेशन ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब हमने देखा है लोकेशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी दो सर्कल आपके पास, उनकी लोकेशन कितनी तरह की हो सकती है, तो केसेस देखेंगे, उनकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीडेस्क के वाले से या शॉर्ट के वाले से, एमसीक्यूज के वाले से ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में भी ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सिर्फ एफएससी में नहीं, आपके डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप दो सर्कल्स का आपस में रिलेशन देखेंगे कि कैसे कैसे उनका अपने में रिलेशन होता है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले काम, आपने दो सर्कल लिए, ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये दो सर्कल ले लिए। अब लेट कर लेते हैं, ये इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। अब ये अवे फ्रॉम ईच अदर है, एक दूसरे को बिल्कुल भी ना तो टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं C1 और C2 का डिस्टेंस निकालूं, किस किस का डिस्टेंस निकालें, C1 और C2 का डिस्टेंस, तो इतना बनता है C1 का C2 से डिस्टेंस, ये देखना। और अगर मैं R1 को R2 में जमा करूं, R1 प्लस R2 जमा करें, तो आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों को ऐड करें तो इसकी वैल्यू छोटी होगी रेडियस। अगर मैं इसका स्ट्रेट बना लूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेडियस है इतना और इधर से ये रेडियस है, तो आप देख सकते हो कि रेडियस को दोनों को जमा करें और सेंटर्स का डिस्टेंस निकालें, तो सेंटर्स का डिस्टेंस सर रेडियस दोनों को ऐड करेंगे उससे क्या होगा, बड़ा। दोबारा मेरी बात सुन लो, अगर दोनों सेंटर्स के थे, मैंने आपस में डिस्टेंस निकाले, उनका डिस्टेंस दोनों रेडियाई के सम से क्या होगा, बड़ा। जब ऐसी इक्वेशन होगी तो सर्कल्स क्या होंगे, ये सर्कल क्या होंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, सर्कल क्या होंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होंगे। ये हो गया पहला केस। अब थोड़ा पास ले आते हैं, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को, सपोज एक सर्कल आपके पास ये है और एक सर्कल आपके पास ये है, इसको थोड़ा सा क्लियर करके बना लेते हैं, सर्कल ज़रा थोड़ा ख़राब बन रहा है। ये हैं दो सर्कल, ये बर्दाश्त कर लेना यार ऐसे सर्कल, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, इनको अगर हम बात करें, ये दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका सेंटर देखूँ C1, इसका सेंटर लिया C2, दोनों सेंटर्स को हम बना लेते हैं किससे, ब्लैक लाइन से, सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस, और इसका रेडियस, ये इतना रेडियस है इसका, ये इतना R1 और इतना ही क्या है R2। तो आप देख सकते हो दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी C1 C2 डिस्टेंस, अगर मैं रेडियस को जमा करूं तो उनके बराबर आ रहे हैं, रेडियस को ऐड करें तो उनके क्या आ रहा है, बराबर। तो इस केस में जब सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस, दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस रेडियस दोनों रेडियाई के सम के बराबर आ जाए, तो सर्कल एक दूसरे को कैसे टच करते हैं, एक्सटर्नली। तो ये कैसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्सटर्नली, बाहर से एक दूसरे को छू रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज के वाले से, फिर पहले थोड़ा अवे थे, फिर हम पास ले, फिर क्या होगा, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, सपोज इसका सेंटर लिया हमने C1, इसका सेंटर लिया हमने C2, अब C1 से लेकर C2 तक डिस्टेंस ये है, R1 जो है वो R1 इतना है और R2 इतना है। अब देखो ज़रा, ये डिस्टेंस और यहाँ से लेकर ये और ये सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें और दोनों रेडियाई को जमा करें, रेडियाई को अगर मैं मेंशन कर दूं R1 R2, अगर इनको मेंशन करें, यहाँ पर क्या होगा, C1 C2 दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस, ये लेस होगा R1 प्लस R2 से। तो इस केस में ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, या ओवरलैपिंग वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ओवरलैपिंग ईच अदर। अच्छा, यहाँ दो केस कवर हो जाते हैं सेम इसी केस पे आप लोग क्या कर सकते हो,
अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर रहा है, एक सर्कल दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, कंटेन। सपोज ये एक शॉर्ट सर्कल ले लिया, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये ले लिया। अब एक सर्कल दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, कंटेन। इस केस में भी आप दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालो और रेडियस निकालो, तो डिस्टेंस जो होंगे दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लेस आएगा रेडियस के सम के, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होगा, इस केस में कंटेन कर रहा है पूरे का पूरा सर्कल दूसरे सर्कल को, तो ये केस हो गया। अब थर्ड, मतलब थर्ड नहीं, एक दो तीन चार पांचवा केस हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ ऐसा हो, ये आपके पास सर्कल है और एक सर्कल आ गया आपके पास कुछ इस तरह से, अब जरा आप गौर करो, ये अंदर से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक सर्कल का सेंटर ये हो गया C1, ये हो गया C2, C1 और C2। इस केस में आप C1 और C2 का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फ्रॉम C1 C2 ये बराबर आएगा रेडियाई के डिफरेंस के, रेडियाई के डिफरेंस के। ये मैं मोड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि R1 को R2 में से माइनस करें, R2 को R1 में से माइनस करें, लेंथ है ना, तो लेंथ हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब ये केस हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस, अगर आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हों, ये इस केस को आप नाम क्या दोगे, ये एक सर्कल दूसरे सर्कल को कैसे टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है एक सर्कल दूसरे सर्कल को। फिर इस केस में अगर दो सर्कल ऐसे हों जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, एक ही सेंटर दोनों का, इस केस में जो सेंटर इसका है बड़े सर्कल का वही छोटे का, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इस केस में क्या होगा, इसमें आप C1 निकालो या C2 निकालो, C1 और C2 का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जीरो के। अगर C1 और C2 का डिस्टेंस जीरो के इक्वल आए तो सर्कल क्या होंगे, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो ये कुछ केसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको MCQs आ सकते हैं पेपर में या एग्जाम एंटीटेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। होपफुली आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।